नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है जीएस पंडा में। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बलवन एंड वी हैव डिस्कस्ड द पार्ट फर्स्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ राजत्व। राजत्व के सिद्धांत के रिगार्डिंग, बलवन के सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं बलवन की सत्ता पर बैठने के लिए। जैसा कि पूर्व कक्षा में निर्धारित था कि इस क्लास में दो बातों पर चर्चा करेंगे, बिगड़ती हुई प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक हालातों के बारे में, साथ में चर्चा करेंगे बाह्य और आंतरिक विद्रोहों के बारे में और बलवन का अंतिम समय। तो हम इसमें देखेंगे बलवन की चुनौतियां हम डिस्कस कर रहे हैं। बलवन की चुनौतियां हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से एक जो चुनौती है बिगड़ती हुई प्रशासनिक और आर्थिक हालात हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें, बिगड़ती हुई प्रशासनिक व्यवस्था और बिगड़ते हुए आर्थिक हालात। जब हम ये डिस्कस करते हैं तो प्रशासन में अगर देखा जाए तो पूर्णतः मोनार्की निरंकुशता की तरफ था साम्राज्य, और कहते हैं कि सैनिक शक्ति निरंकुशता की पहली शर्त है। समझे, सैनिक शक्ति निरंकुशता की पहली शर्त है। तो सीधी सी बात है कि इसी रिगार्डिंग मिलिट्री रिफॉर्म्स किए गए। क्या किए गए? मिलिट्री रिफॉर्म्स, दैट इज सैन्य सुधार। हालांकि उल्टा संभव नहीं है, आप ये कहेंगे अगर कहीं भी सैन्य सुधार हो रहे हैं तो मोनार्की की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मोनार्की स्टेब्लिश करने के लिए सैन्य सुधारों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सैन्य सुधारों में क्या किया गया? एक विभाग बनाया गया जिसे कहते थे सेना का विभाग, विभाग दीवान ए आरिज। क्या नाम था विभाग का? दीवान ए आरिज, या दीवान ए अर्ज भी कहते थे इसको, ठीक है। और इसका पहला प्रमुख था इमादुल मुल्क। अब हुआ क्या, ये जो सैन्य विभाग था या जो सेना का काम था पहले, वो वजीर वित्त मंत्री के हाथों में था। जैसे ही अलग से विभाग बना, सेना को वजीर और वित्त मंत्री के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। इमादुल मुल्क को यह स्वतंत्रता दी गई कि आप जब चाहें जैसा चाहें थोड़ा सुधार आर्मी के अंदर कीजिए, आपको किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी मिनिस्ट्री पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। इट वॉज ए इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट या इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, है ना, अंडर द दिल्ली सल्तनत। ये एक इंडिपेंडेंट चीजें थी सारे, और इस विभाग का नाम था दीवाने आरिज और इसका हेड था इमादुल मुल्क। अब विभाग बन गया, मिलिट्री सुधार हुए। देखिए, मिलिट्री रिफॉर्म्स की उस समय सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि आंतरिक और बाह्य विद्रोह तो मेंटेन करने ही थे, साथ में कहीं ना कहीं इक्तादार जो सैनिक अमीर होते थे वो कहीं ना कहीं क्या करते थे, आंतरिक सुरक्षा को व्यवस्थित करने में भी सहयोग प्रदान करते थे। कुछ सैनिकों को नगद वेतन का थोड़ा सिस्टम शुरू किया, ठीक है। हालांकि इस व्यवस्था को प्रॉपरली लागू करेगा अलाउद्दीन खिलजी, और नगद वेतन देने का पूर्ण श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, ठीक है। गुप्तचर विभाग की स्थापना की, किसकी स्थापना की? गुप्तचर विभाग की स्थापना, है ना। और इस गुप्तचर नाम विभाग का नाम था बरीत ए मुमलिकत, ठीक है। और जो गुप्तचर हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था बरीत। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बलबन की प्रशासनिक व्यवस्था में और उसे सुदृढ़ करने में इस गुप्तचर विभाग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। कहा जाता है कि गुप्तचर सेना इक्तदारों और आम जनता में भी साधारण भेष में रहा करते थे। जारी जो सारी गुप्त सूचना किसको देते थे? बलबन को दिया करते थे, ठीक है।
यह सब हुआ। दूसरा क्या होता है, बलवन ने प्रशासनिक सुधारों के क्रम में सभी इकताओं की जांच करवाई, सभी इकताओं की जांच करवाई। अब सवाल ये आता है कि सर इकताओं की जांच क्यों? देखिए, एकता व्यवस्था के बारे में बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं इतने इसके टाइम पीरियड में। एकताओं की जांच इसलिए क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि एकताओं को जो इक्तेदार थे, जिनको वो अलॉट की गई थी, या तो वो मर चुके हैं या वो वृद्ध हो चुके हैं। आप ध्यान दें, खासकर एकताएं उन लोगों को दी जाती थी जो लोग सैनिक का काम किया करते थे। अगर वह इक्तादार है तो मर चुका है या बूढ़ा हो चुका है, तो जिस उद्देश्य के लिए उसे इक्ता दी गई है वो उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। उसके वंशज, अब उसका वंशज हो सकता है योग्य हो सकता है योग्य ना हो, तो उसके वंशज उन इकताओं का उपभोग कर रहे थे। फाइनली बलबन ने क्या कहा कि इन इकताओं की जांच कराई जाए, और एक ऑफिसर ख्वाजा जिसका नाम था उसको अपॉइंट किया कि इकताओं की जांच को, कहते कि लगभग लगभग 2000 इकताओं की जांच करवाई गई, और उन इकताओं में जो इकतादार बूढ़े हो चुके थे या मर चुके थे, उनके प्रतिनिधि जो उनके वंशज थे वो रूल कर रहे थे, इकताओं की जांच करवाई और बहुत सारी इकताओं का पुनर्ग्रहण किया। इकताओं की जांच और इकताओं का पुनर्ग्रहण किया, इकताओं का पुनर्ग्रहण किया। ठीक है, एकताओं की जांच करवाई और एकताओं क्या किया है, पुनर्ग्रहण किया ख्वाजा नामक उससे, क्योंकि एकताओं में गड़बड़ी चल रही थी। ये सब रिफॉर्म्स हुए, और इन सब रिफॉर्म्स के बाद कहीं ना कहीं सुदृढ़ता जरूर मिली। बाकी अपने हम देखेंगे आंतरिक विद्रोह को दबाते हुए भी, देखिए ये तो रिफॉर्म्स है, जब तक बाकी ताकतें सिर उठाती रहेंगी तब तक बात नहीं बनने वाली है। रिफॉर्म्स करने के साथ साथ बाकी ताकतों को भी दबाने की कोशिश की गई और सफल भी हुआ। देखिए, दूसरी चुनौतियां थी आंतरिक और बाह्य विद्रोह, और बाह्य विद्रोह, ठीक है, आंतरिक और बाह्य विद्रोह। देखिए, आंतरिक विद्रोह में कौन कौन लोग शामिल थे जरा देखिए। आंतरिक विद्रोह में शामिल थे गंगा यमुना के दोआब में होने वाले विद्रोह, किसके विद्रोह, दोआब के विद्रोह, जिनको शांत किया गया, और दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवाती, किनका विद्रोह, मेवातियों को शांत किया गया। मेवाती, मेवात क्षेत्र में रहने वाले भट्टी राजपूत कहते हैं कि इनके लूटपाट का आतंक इस लेवल तक पहुंच चुका था कि ये लोग नमाज से पहले जाने वाली महिलाओं के वस्त्र उतारकर उनको नंगा दौड़ा देते थे और जाकर फिर जंगल में छुप जाते थे। फाइनली बलबन ने क्या किया कि मेवातियों का दमन किया, और जिन जंगलों में जाकर छुपते थे उन जंगलों को कटवा दिया, और जगह जगह पुलिस चौकियां बनाई, उन चौकियों पर अफगान सैनिक नियुक्त किए। अफगान सैनिकों की एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने में, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने में इंपॉर्टेंस समझने वाला पहला सुल्तान बलबन था। ठीक है, मेवातियों का दमन किया है ना, मेवाती, और साथ में कटेहर, बदायूं और बिजनौर में ये लोग थे, बदायूं और बिजनौर। कहते हैं कि इसने कटेहरों के साथ निर्ममता का व्यवहार किया और मारकर कटेहरों की जो लाश है वो गांव के आगे लगवा दी, सड़ने के लिए छोड़ दिया। कटेहरों का विद्रोह दबाया, मेवातियों का विद्रोह दबाया। ठीक है, साथ में बंगाल, बंगाल की कहानी थोड़ा समझनी है जरूरी है। रेहान जब नाइब बना नासिरुद्दीन महमूद के काल में, तो अर्श लिखा बंगाल को लगभग लगभग स्वतंत्र करने की घोषित कर देता है। बंगाल में जिस सुल्तान का पहला क्रम लिया जाता है वो था अरसला खां। क्या नाम था, अरसला खां। बाद में अरसला खां का बेटा तातार खां, हालांकि तातार खां ने बंगाल को, अच्छा उस समय बंगाल की राजधानी थी लखनौती, उस समय बंगाल की राजधानी लखनौती विद्रोहों का नगर कही जाती थी।
अरसला खां के बाद सत्ता पर बैठा तातार खां। तो ये जो तातार खां है, इसने सल्तनत से विद्रोह नहीं किया और इवन सुल्तान के लिए 63 हाथी गिफ्ट करे। तातार खां के बाद गद्दी पर बैठा तुगरिल खां, जो दास था एक। तातार खां के बाद कौन बैठा सत्ता पर? तुगरिल खां। तुगरिल खां, ठीक है, तुगरिल खां बैठा सत्ता पर। इस तुगरिल खां ने बंगाल की विद्रोही प्रवृत्ति को फिर से सजग कर दिया। और फाइनली ये बात बलबन को भी बर्दाश्त नहीं हुई कि आखिरकार कैसे एक दास उसकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। जरूरी भी था, क्योंकि अगर ऐसा ना करता बलबन तो होता ये कि आगे और भी दास सिर उठा सकते थे। तो ताकत उसको पूर्णतः दमन करना बहुत जरूरी तुगरिल खां का। तुगरिल खां के खिलाफ अभियान शुरू हो गए। अभियान शुरू करने में तुगरिल खां, ये ध्यान देना, इसके विरुद्ध पहले भेजा गया अमीन खां, अवध का इक्तदार। कामयाब नहीं हुआ, बलबन ने सिर कटवाकर अयोध्या के गेट पर लटकवा दिया। किसका? अमीन खां का। इसके विरुद्ध अमीन खां को भेजा गया। अमीन खां, मैं यहां क्रॉस लगा देता हूं कि यह भी इसी कारण फेल हो गया। और आखिरकार बलबन ने इसकी हत्या करके इसके सिर को कहां लटका दिया? अयोध्या के गेट पर, ठीक है। उसके बाद भेजा गया बहादुर, यह भी कामयाब नहीं हुआ। अब बलबन बौखला गया कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे होगा ये काम। फाइनली बलबन स्वयं गया और बलबन ने तुगरिल खां को हरा कर उसे भागने पर मजबूर कर दिया। तुगरिल खां जंगल में जाकर छुप गया। कहते हैं कि तभी बलबन के एक अधिकारी शेरजांदा, मोहम्मद शेरजांदा करके उसका नाम था, उसने उसका पता लगा लिया और क्या किया कि पूरी तरीके से पूरी ताकत लगाई उसको ढूंढने में और आखिरकार तुगरिल मिल गया। कहते कि तुगरिल इतना बौखला गया, कहते कि मात्र 40 ही सैनिक थे, 40 सैनिकों के माध्यम से उन्होंने तुगरिल पर आक्रमण कर दिया। और तुगरिल इतना बौखला गया इस बात से कि वो घोड़े पर जैसे ही भागा, पीछे से एक अली नामक अधिकारी ने उसे क्या कर दी? हत्या। बलबन ने अली को तुगरिल कुश की उपाधि दी। तुगरिल कुश का अर्थ होता है तुगरिल का वध करने वाला, ठीक है। तो बाद में बलबन गया, बाद में कौन जाता है? बलबन गया और तुगरिल का क्या कर दिया? तुगरिल का दमन, ठीक है। कहानी को लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना केवल स्टार बनाकर। ये अली नामक अधिकारी था जिसने तुगरिल का सिर काटा था, इसी को तुगरिल कुश की उपाधि दी गई थी। तुगरिल कुश मतलब तुगरिल का वध करने वाला, ये ध्यान देना, ठीक है। आंतरिक शांति के लिए जो एक और सबसे बड़े दुश्मन पनप रहे थे वो थे तुर्कान चिहालकानी, गुटे चालीसा। खुद बलबन भी गुटे चालीसा का ही सदस्य था। किस प्रकार पूर्व के सुल्तानों और गुटे चालीसा के बीच एक द्वंद्व हुआ था, और किस प्रकार आप जानते हैं कि सुल्तान बहुत सारे सुल्तानों को, जिसमें खुद बलबन भी शामिल था, अपदस्थ किया गया था। अतः उसने तुर्कान चिहालकानी के दमन करने की कोशिश की। उस समय तक तुर्कान चिहालकानी के बहुत सारे सदस्य तो खुद मर चुके थे, खुद डेथ हो गई या वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके थे। अब डायरेक्ट तो खत्म नहीं कर सकता ना, तो बलबन ने डिसाइड किया कि इनको छोटे छोटे अपराध के लिए दंड दिया जाए। तुर्कान चिहालकानी का दमन, तुर्कान चिहालकानी, चिहालकानी का क्या किया गया? दमन किया गया, ठीक है। तुर्कान ने चिहालकानी का दमन किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये अमीन खां को अयोध्या के गेट पर, ये भी तुर्कान ने चिहालकानी का मेंबर था, दमन किया और कठोर दंड देने प्रारंभ किए। कठोर दंड जैसे एक सुविधा तदरवा करता था मलिक बकबक, उसको कोड़े लगवाए। हैबत खां कहते हैं कि उसको, उस पर उसकी नौकर की हत्या का आरोप था तो जनता के सामने कोड़े लगवाए। अमीन खां था, अमीन खां का सिर काटे काट का दिया अयोध्या के गेट पर,
ठीक है, कठोर दंड दिए, देने शुरू किए, जिसमें आप नाम किसका ले सकते हैं, आप नाम ले सकते हैं किसका भाई, एक तो अमीन खां का मैंने आपको नाम बताया, आप अमीन खां का नाम ले सकते हैं, यस और नो, आप नाम ले सकते हैं हैबत खां का, है ना, और मलिक बकबक का। एक व्यक्ति और है शेर खां सरसरानी, क्या नाम है, शेर खां सरसरानी। हम इस शेर खां के बारे में अभी चर्चा करेंगे, ये बलबन का चचेरा भाई है, कौन, शेर खां, ध्यान देना, तुर्काने चल दमन हुआ जिसमें अमीन खां का नाम आप ले सकते हैं, हैबत खां का नाम आप ले सकते हैं, मलिक बकबक का आप नाम ले सकते हैं। शेर खां की कहानी को कहीं और से भी लिंक करने की आवश्यकता है, जैसे कहां से, उसके लिए हम बाह्य विद्रोह पर हम चर्चा करेंगे, बाह्य विद्रोह, बाह्य विद्रोह मुख्य रूप से कौन, मंगोल, मंगोल समस्या भयानक रूप धारण कर चुकी थी इस समय, मंगोल जिनका विस्तार पंजाब की व्यास नदी तक हो चुका था और वो लोग दिल्ली आने का ख्वाब देख रहे थे। बलबन जानता था कि मंगोलों से बढ़कर खतरा इस समय सत्ता के लिए कोई नहीं है, और कई बार ऐसा होता था कि विद्रोही सरदार मंगोलों से जाकर मिल जाते थे, तब ये स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाती थी। फाइनली मंगोल उत्तर पश्चिम पर, उत्तर पश्चिम पर किलों की कतार बनवाई, किलों की कतार बनवाई। ये दो तरीके से थे किले, देख लीजिए, ये दो हिस्सों में बांटे किलों को, ऊपर वाला हिस्सा सुमन सुमाना और उच्च, ये क्षेत्र था, और नीचे वाला लाहौर मुल्तान और दीपालपुर, ठीक, यहां पर तैनात था शेर खां। मैंने बताया ना, ध्यान करो, मैंने बताया कि यही शेर खां है, और यही शेर खां है जो बलबन का चचेरा भाई है। इसमें यहां पर शेर खां नियुक्त था, और यहां पर नियुक्त किया गया शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद। एक्चुअली बलबन के ना दो बेटे हैं, शहजादा मोहम्मद और बुगरा खां। बुगरा खां, जब समझ लीजिए कि जब ये तुगलक का दमन किया गया, बलबन ने बंगाल को अपने अंडर लिया, तो बुगरा खां को वहां नियुक्त कर दिया था, ठीक है, बुगरा खां को वहां नियुक्त कर दिया, तो बुगरा खां को बंगाल, बुगरा खां कहां चला गया था, बंगाल में, लेकिन बुगरा खां यहां भी आया। शेर खां उस समय का सब बहुत बड़ा योद्धा था, और कहते हैं कि शेर खां के नाम से विद्रोही सरदार और मंगोल लोग भयभीत हुआ करते थे, आक्रांत थे कि भाई बलबन, ये शेर खां बहुत स्ट्रांग आदमी था। बलबन इस बात को लेकर आशंकित हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बलबन की सत्ता को शेर खां खतरा पैदा हो जाए। आखिरकार उसने एक अपने बहुत वीर योद्धा शेर खां को विष देकर उसकी हत्या करवा दी। शेर खां, तो आप समझ रहे हैं ना, तुर्कान चिहागानी और ये सब लोगों क्या किया है, इन लोगों का दमन करवा दिया, उसमें शेर खां भी शामिल था। शहजादा मोहम्मद जो बलबन का बड़ा योग्य पुत्र था, ठीक है, शहजादा मोहम्मद योग्य पुत्र था, बाद में यही सब इनका क्या बना है, ये सब इनका बना, पूरे क्षेत्र का शहजादा मोहम्मद के ही अंडर आ गए इनकी बात। किलों की कतार बनवाई, और मैं बता दूं कि इन्हीं किलों की कतारों में मंगोल सेना से लोहा लेते हुए शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हुई। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान देना कि शहजादा मोहम्मद बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से सवाल पूछा जाता है कई बार कि शहजादा मोहम्मद के टाइम पीरियड में ही था कौन, अमीर खुसरो तृतीय हिंद, कौन था, अमीर खुसरो, इसे क्या कहा जाता है, तोतीय हिंद, हिंद का तोता, अमीर हसन इसी के टाइम पीरियड में थे, जिन्होंने अपना टाइम पीरियड शुरू किया था, अपने जीवन काल को किसका टाइम पीरियड शुरू किया है, शायद मोहम्मद के काल में, कौन कौन, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो
ने अपना दरबारी जीवन किसके काल में शुरू किया? बलबन के बेटे शहजादा मोहम्मद के काल में। लेकिन जब शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाएगी तो अमीर खुसरो को प्रोटेक्शन देने वाला सुल्तान बलबन है पहला, ठीक है, याद है ना। जीवन शुरू किया शहजादा मोहम्मद के काल में, प्रोटेक्शन देने वाला व्यक्ति कौन था? बलबन। इसको कहा जाता है तोतीय हिंद। क्या कहा जाता है? तोतीय हिंद। और एक था अमीर हसन। कहते हैं कि शेख सादी को भी इनवाइट किया गया था, जिसको प्रसिद्ध सुईरान के प्रसिद्ध सूफी संत, सॉरी प्रसिद्ध संत शेख सादी को भी शहजादा मोहम्मद ने इनवाइट किया था, लेकिन चूंकि वो वृद्ध अवस्था में थे इसलिए शेख सादी ने आने से इनकार कर दिया था, या वो असमर्थ है। ये सब बातें हैं बलबन की प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक हालात इन बातों से सुधरे, ठीक है। बहुत सारे विद्रोह को दबाया, तुर्कान ने चिहलगानी खत्म किया, दोआ मेवाती कटेहर बंगाल, ठीक है, ये सब दमन किया, तुर्कान ने चिहलगानी खत्म किया, उत्तर पश्चिम में बहुत सारी चीजों को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करने की कोशिश की सीमाओं को, ठीक। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसको लिखेंगे नहीं। शहजादा मोहम्मद बलबन का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड, ट्रूप का इक्का, सबसे योग्य बेटा जो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। ये बात है लगभग 1285 की। अब बचा एक पुत्र बुगरा खान जो बंगाल में पोस्टेड है। फाइनली बातें निकल कर आई कि 1286 में, अच्छा लोग कहते हैं कि बलबन कभी रोया नहीं, बलबन कभी हंसा नहीं सुल्तान बनने के बाद, लेकिन शहजादा मोहम्मद की मृत्यु के बाद अक्सर बलबन को किले पर जाकर रोता हुआ पाया गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसे दिख रहा था कि उसके वंश का अंत अब नजदीक है, क्योंकि बुगरा खां विलासी प्रवृत्ति का आदमी था, आराम पसंद। वो दिल्ली आया भी, बलबन की मृत्यु हो जाती है, दिल्ली आया, मतलब सत्ता के अंतिम समय जब बलबन का अंतिम समय चला, दिल्ली आया, लेकिन वो चुपके से दिल्ली से निकल भी गया। बलबन समझ गया कि बुगरा खां से सल्तनत नहीं संभलेगी, अब क्या किया जाए। फाइनली बात यह आई कि बलबन ने शहजादा मोहम्मद के बेटे कै खुसरो को गद्दी पर बिठाया। कै खुसरो के खिलाफ चाल चली गई और कै खुसरो को बहुत एक षड्यंत्र के तहत मुल्तान भेज दिया गया, गद्दी पर बिठाया गया कैकुबाद। कैकुबाद जो अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का आदमी था, कहते हैं कि बलबन ने कैकुबाद को अपने जीवन काल में बड़ी ही दुनिया की सभी वैभव भोग विलास से दूर रखा था। सुल्तान बनने के बाद लोगों ने उसको क्या किया कि भैया अब करो अब एंजॉय। फाइनली उसे फालिस आ गई। फालिस आने के बाद गद्दी पर बैठा शमसुद्दीन की उमर। इसी समय दो इक्तादार या दो सरदार, इक्तादार तो खत्म हुए, दो सरदार मलिक कच्छन और मलिक सुरखा का बोलबाला सत्ता में था। फाइनली बात ये कैकुबाद के समय में की ही है, जब उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्हें गैर तुर्की समझाता था, उसको उत्तर पश्चिम से दिल्ली बुला लिया था, बुलंदशहर बरन नाम था, यहाँ का उसको राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया था। मलिक कच्छन और मलिक सुरखा दोनों ही लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से ईर्ष्या मानते थे, क्योंकि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के प्रमोशन हुआ और सल्तनत में अच्छी अच्छी उसकी पोस्टिंग हुई, तो एक प्रकार से गुटबाजी फिर से शुरू होगी तुर्की और गैर तुर्कों की, क्योंकि खिलजियों को लोग ये गैर तुर्की मानते थे। कैकुबाद जिसको फालिस मार गई, सत्ता पर बिठाया गया 3 साल का बच्चा शमसुद्दीन की उमर। इसी बीच जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर लिया, अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लिया और फाइनली शमसुद्दीन की उमर की हत्या कर दी गई, 3 साल का ये बच्चा, और इसका कहते हैं कि इसको मारकर बोरी में बंद करके यमुना नदी में फेंक दिया गया। इस घटना की चर्चा हम अगले क्लास में भी करेंगे, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान देना कि फिलहाल के लिए ये सब बातें हैं जो मैंने घटनाक्रम बताया है, इसका मैं हल्का हल्का ब्रीफ आपको दूंगा जब मैं आपको खिलजी रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, खिलजी क्रांति पढ़ाऊंगा, तब मैं इन सारी बातों को बताऊंगा भी आपको, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है कि देखिए, मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी और यूपीपीसीएस और यूपीएससी तीनों की डेट बहुत क्लोज है, हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट लॉन्च करने की हमारी प्लानिंग है, जिसमें एक हमारी प्लानिंग करंट अफेयर्स को लेकर है। करंट अफेयर्स की ऐसी अप्रोच जो मल्टी डायमेंशनल हो, ठीक है, ऐसी अप्रोच जिसमें हम लोग आप लोगों से लगभग एग्जाम में सारे ही क्वेश्चन हिट करवा पाएं, इस अप्रोच से मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेकर मैं आने की मेरी प्लानिंग है, और शीघ्र अतिशीघ्र। लेकिन उसके लिए सहयोग ये मेरा आपसे चाहिए कि चैनल को जल्दी जल्द प्रमोट करें, ताकि मेरी टीम को और मुझे एक मोटिवेशन प्राप्त हो
और हम आपके साथ संपूर्ण संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ आपके भविष्य निर्माण में सहयोग दे सकें और अदर सब्जेक्ट्स हम लॉन्च कर सकें। जल्दी ही आपको ज्योग्राफी की क्लासेस भी आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप जितने भी लोग अभी फिलहाल हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी इस टीम के सदस्य हैं, वो लोग सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं और शेयर करवाएं, ठीक है। ओके।